सो इस वाले स्पीकर का प्राइस कितना होगा और इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन डिटेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, इसके लिए एम्पलीफायर हम कितने वॉट का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट अगर हम लेते हैं तो कौन सा लेंगे, क्योंकि हेवी स्पीकर है तो हेवी कैबिनेट भी चाहिए। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एरॉन्स के तरफ से आने वाला स्पीकर, जो कि 18 इंच का स्पीकर है, बेस स्पीकर, और ये वाला जो स्पीकर है वो 2200 वाट का स्पीकर होने वाला है। काफ़ी अच्छा स्पीकर, यहाँ पर काफ़ी तगड़ा स्पीकर हमें देखने को मिल जाता है। सो इस वाले स्पीकर का प्राइस कितना होगा और इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन डिटेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि इस स्पीकर का प्राइस कितना होगा जो कि मार्केट में आपको काफ़ी इजीली मिल सके। सो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर एरॉन्स का LF18X550 ये वाला स्पीकर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड फुल डिटेल्स के साथ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं डिजिरॉक चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर LF18X550 स्पीकर के बारे में। सो पहले तो स्पीकर का अगर हम पेपर कोन के ऊपर बात करेंगे तो पेपर कोन आप देख सकते हैं 3 लेयर में XMOS में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो है स्पीकर में काफ़ी अच्छा यहाँ पर चमकीला पेपर कोन हमें देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा बहुत वाटर प्रूफिंग का भी काम होने वाला है इसमें। तो थोड़ा बहुत पानी भी जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर कोन में। और स्पीकर आप देख सकते हैं काफ़ी हेवी स्पीकर हमें देखने को मिल जाता है। स्पीकर में डस्ट कैप आप देखेंगे तो डस्ट कैप भी काफ़ी यूनिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो पेपर कोन जो है वो काफ़ी हेवी आपको देखने को मिलता है, काफ़ी हार्ड देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें काफ़ी अच्छा पंच और काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम वहीं बात करते हैं स्पाइडर के ऊपर, सो यहाँ पर इसमें स्पाइडर में अगर हम गौर करेंगे तो स्पाइडर आप देखेंगे तो इसमें सिलिकॉन स्पाइडर यूज़ किया गया है, जो कि सबसे बेस्ट स्पाइडर होता है सिलिकॉन स्पाइडर, जो कि स्पीकर का जो यहाँ पर साउंड है, वाइब्रेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा झेल पाता है सिलिकॉन स्पाइडर। सो यहाँ पर सिलिकॉन स्पाइडर इसमें यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें फाइबर का रिंग लगा हुआ है, जो कि इसमें मेटल का रिंग होना चाहिए था, मतलब स्पीकर के हिसाब से इसमें मेटल का रिंग होना चाहिए था, जो कि अल्मोनियम या फिर मेटल जो भी है वो यहाँ पर होना चाहिए, तो जो मतलब काफ़ी अच्छा हेवी रहे, एलंकी वगैरह से टाइट रहे। सो यहाँ पर इसमें एलंकी वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं फिलहाल, लेकिन इसमें एलंकी होना चाहिए था काफ़ी अच्छा यहाँ पर पकड़ बनाने के चलते। और यहाँ पर जो है इसमें रिंग लगा करके जो है ग्लू से टाइट किया गया है, मतलब ग्लू लगा करके चिपकाया गया है रिंग को। तो यहाँ पर रिंग में जो है उसमें बोल्ट होना चाहिए था, एलंकी बोल्ट होना चाहिए था, जो कि स्पीकर का जो स्पाइडर है वो कबड़े ना। अगर हम काफ़ी ज़्यादा साउंड में बजा रहे हैं, काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन अगर हम निकाल रहे हैं, पंच निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीकर का जो है स्पाइडर निकलने का चांस जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि एरॉन्स का स्पीकर जो है वो काफ़ी अच्छे स्पीकर आते हैं और काफ़ी अच्छा स्पीकर माना जाता है, और इंडियन ब्रांड है तो काफ़ी अच्छा है ही। और एरॉन्स का एम्पलीफायर स्पीकर्स वगैरह सारा चीज़ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, कोई भी शिकायत अभी मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर एरॉन्स के मैग्नेट के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो एरॉन्स के मैग्नेट में आप देखोगे यहाँ पर किट आपको देखने को मिलेगा, ईयर बंडल्स के लिए ईयर गैप आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ऊपर में कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं है। यहाँ पर चेचिस में आपको स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एरॉन्स का यहाँ पर ब्रांडिंग, साथ ही साथ इसका जो भी पावर स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर लिखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ इसका यहाँ पर चेचिस आप देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत चेचिस हमें देखने को मिल जाता है। और बात करें हम यहाँ पर मैग्नेट के ऊपर, तो मैग्नेट यहाँ पर 4 पीस में आपको मैग्नेट मिलता है, काफ़ी हैवी मैग्नेट हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे और हम बात करते हैं कि स्पीकर का स्पेसिफिकेशन डिटेल्स हमें क्या देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हम कितने वाट का इसके लिए एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरॉन्स का जो LF18X550 जो स्पीकर है, इसका मॉडल नंबर होने वाला है और एरॉन्स का ब्रांडिंग होने वाला है। स्पीकर का स्पेसिफिकेशन बात करें तो नॉमिनल डायमीटर 18 इंच का स्पीकर होने वाला है और नॉमिनल इम्पीडेंस 8 ओम्स में स्पीकर काम करने वाला है। नॉमिनल पावर, इसका जो पावर होने वाला है वो 2200 वाट AES पावर में स्पीकर होने वाला है। कंटिन्यूस पावर 4400 वाट, मतलब इसका प्रोग्राम पावर जो है वो 4400 वाट AES पावर रहेगा। और सेंसिटिविटी यहाँ पर 99 dB हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हम यहाँ पर पंच और वाइब्रेशन दोनों हमें मिल जाता है। और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 30 हर्ट्ज से लेकर के 2 किलोहर्ट्ज तक हमें देखने को मिल जाता है।
वॉइस कॉइल 132.5 mm, मतलब कि 5 इंच से भी बड़ा वॉइस कॉइल इसमें यूज़ किया गया है, मतलब लगभग 5.3 इंच का वॉइस कॉइल इसमें यूज़ किया गया है। काइंड ऑफ लायर के बारे में बात करेंगे तो इन और आउट में वॉइस कॉइल हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन आउट वॉइस कॉइल क्या है, इसमें रीज़न ये होता है कि वॉइस कॉइल जल्दी गर्म नहीं होता है, और गर्म होता है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और यहाँ पर इसमें एयर गैप वगैरह सारा चीज़ दिए गए हैं, तो यहाँ पर वॉइस कॉइल जलने का जो है शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगा। एम्पलीफायर आप मैचिंग में लगाएंगे, काफ़ी अच्छा हमें साउंड मिल जाएगा और वॉइस कॉइल भी नहीं जलेगा। और यहाँ पर मैग्नेट डायमीटर के बारे में बात करेंगे तो 280x25 mm का हमें मैग्नेट देखने को मिल जाता है। मैग्नेट मटेरियल यहाँ पर फ्राइट में हमें देखने को मिलता है। स्पीकर काफ़ी वेटेड भी होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे कि स्पीकर के लिए हम कौन सा एम्पलीफायर लेंगे और इसका प्राइस क्या होगा। तो स्पीकर का जो प्राइस रहेगा वो हम बात कर लेते हैं पहले। तो जो हमारा एरोंस का LF18X550 जो स्पीकर है, 2200 वाट का है, 18 इंच का स्पीकर है, लो फ्रिक्वेंसी स्पीकर है। तो इस स्पीकर का जो प्राइस होने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली बताने वाला हूँ, लगभग 2000 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। इस वाले स्पीकर का जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली आपको मार्केट में लगभग 19,000 के आसपास में ये वाला स्पीकर आपको मिल जाना चाहिए। 19 से 20 हज़ार अप्रोक्सीमेटली बताए हूँ, प्राइस अप डाउन हो सकता है। तो 19,000 से लेकर के 20,000 में ये वाला स्पीकर आपको मिल जाना चाहिए मार्केट में काफ़ी इजीली। और काफ़ी अच्छा स्पीकर है, 20,000 के आसपास में ये वाला स्पीकर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। इसके लिए हम बात करते हैं अब एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर हम बात करेंगे, और मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि समय के साथ प्राइस जो है बढ़ भी सकता है और चेंज भी हो सकता है, कम तो नहीं लेकिन बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे इसके लिए एम्पलीफायर हम कितने वाट का लगाएंगे। तो एम्पलीफायर हम सीधा सीधा इस वाले स्पीकर को चलाने के लिए हम एम्पलीफायर लेने वाले हैं 8000 वाट का। मतलब 8000 वाट बोले तो जैसे कि ज़ाइफर का Z8 ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ऑडियोटोन का AD9000 ले सकते हैं, NX Audio का MT2201 ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऑडियो स्टैंडर्ड का VP12000 भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सक्षम एम्पलीफायर है, इसको चला सकता है काफ़ी ईजीली। और यहाँ पर बहुत सारे एम्पलीफायर हैं मार्केट में, आप किसी भी एम्पलीफायर में चला सकते हैं, जो आपको लगभग 4 ओम्स के ऊपर 3000 वाट से ऊपर का पावर आउटपुट दे सके पर चैनल, तो उस एम्पलीफायर में आप जो है काफ़ी इजीली चला सकते हैं, इसको काफ़ी अच्छे से आप चला सकते हैं। Z7 में भी आप इसको चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एरोंस का जो स्पीकर है वो काफ़ी अच्छा है, और हम बात करते हैं कि हैं इसके लिए कैबिनेट, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट अगर हम लेते हैं तो कौन सा लेंगे, क्योंकि हेवी स्पीकर है तो हेवी कैबिनेट भी चाहिए। तो इसके लिए हम LF9 ले सकते हैं। अगर हम डुअल कैबिनेट लेते हैं तो हम इसके लिए LF9 कैबिनेट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हमें काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा, और जो कैबिनेट होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा कैबिनेट होना चाहिए। अगर आपके पास बजट काफ़ी अच्छा है तो आप इम्पोर्टेड कैबिनेट लेते हैं तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी आपको साउंड देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी दूसरे टाइप का कैबिनेट, तो हम इसको पॉप में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें लॉन्ग थ्रो आपको कम मिलता है पॉप में, उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा मिलता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें वाइब्रेशन भी मिले और लॉन्ग थ्रो भी मिले, तो हम यहाँ पर स्कूप यूज़ कर सकते हैं, जो कि 3.5 फीट का स्कूप इसके लिए काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब इनफ रहेगा। 4 फीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3.5 फीट में काफ़ी अच्छा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो 3.5 फीट का स्कोप कैबिनेट भी हम इसके लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एलेंकी वाला लीजिए, काफ़ी अच्छा मजबूत कैबिनेट लीजिए, 3.5 फीट वाले कैबिनेट में आप इसको लगा सकते हैं। तो एम्पलीफायर तो मैंने आपको बता दिया है, लगभग 8000 वाट का एम्पलीफायर इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।